कैसे हो आप लोग। आज से हम अपना हिंदी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं ना। हमने पिछले वीडियो में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके समझा था, है ना। वैसे तो आपने पूरी वर्णमाला जूनियर केजी में पढ़ रखी है, पढ़ी है ना, पढ़ी है ना। अ से अह क से श्र ये सब पढ़ चुके हैं, पर अब हम इसको फिर से पुनरावर्तन करेंगे, यानी कि इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी हम आज अपना बुक निकाल के टू लाइन वाली बुक में अ से लेके ई तक, यानी कि पहले चार लेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों हम लोग स्वर पढ़े थे, पता है ना, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हिंदी में टोटल 13 स्वर है। कितने स्वर है? 13। कितने स्वर है हिंदी में? 13, है ना। 1, 3, 13। कितने स्वर है? 13। तो अभी हम आज उसमें से पहले चार स्वर को पढ़ेंगे, जो कि आप जूनियर केजी में पढ़ चुके हो, पढ़े हैं, है ना। अभी हम उसका रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी बुक में ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो चलो अब हम लिखते हैं, है ना। देखो ये है आपका बुक, बुक में ऐसे आपको दिखाई देगा कि एक पेज में ऐसे छोटी लाइन, ऊपर मार्जिन लाइन है, उसके बाद एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। तो अभी हम किस लाइन में लिखेंगे बताओ, चलो आंसर दो मुझे फटाफट से, है ना। कौन सी लाइन में? यस, बड़ी वाली लाइन में। जो छोटी छोटी लाइन्स है उसको हम छोड़ देंगे, और बड़ी लाइन है उसमें हम अपने लेटर्स को लिखते जाएंगे, है ना। ठीक, तो अभी हम इधर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए। ये सब पिक्चर्स मैंने उसके लेटर्स के हिसाब से बनाया है, जिसका फर्स्ट लेटर हमारा लेटर है, है ना। ये जो पिक्चर्स है उसका नाम हमारे लेटर्स का फर्स्ट लेटर बनता है, ठीक है। तो ये है एक फ्रूट, कौन सा फ्रूट आपको दिखाई दे रहा होगा? ये गोल रेड कलर का फ्रूट है, इसके अंदर रेड रेड कलर के छोटे छोटे बहुत सारे दाने होते हैं, ये है अनार। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, पोमोग्रेनेट और अ से अनार। तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे अ से अनार। दिख रहा है आपको मैंने कैसे लिखा? हम पहले बनाएंगे कर्व लाइन, दूसरा कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, नीचे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सीरो रेखा, मतलब छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया अ। नीचे फिर से लिखेंगे अ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसको बोलेंगे अ। ऐसे ही आपको इसको लिखते जाना है, है ना। अ से अनार, ये हमने आज लिखा अ से अनार। फिर अ से और क्या हो सकता है? अमरूद। अमरूद मीन्स वाह, अमरूद खाते हो ना आप लोग। अभी इसके बाद ये कौन सा पिक्चर है, क्या है ये? ये है ऐसे, कौन सा शेप है? आप लोग अभी रोज खाते होगे गर्मी में, ये क्या है? मैंगो। मैंगो को हिंदी में क्या बोलेंगे? आम। तो आसे, आसे आम। यस, वेरी गुड, आसे आम। तो अभी हम अ लिखे थे वैसे ही पहले अ लिख देंगे, है न।
ये तो हमने लिख दिया, इसके पीछे हम एक दो स्पेंडिंग लाइन बना देंगे और ऊपर जैसे थे वैसे सीधी रेखा बना देंगे, तो ये बन गया हमारा आ, आ से आ, आ से आ। एक बार फिर से लिखेंगे आ, आ से आ। एक बार फिर आ से आ। ये ध्यान रखना कि हम लोग छोटी लाइन को छोड़ते जा रहे हैं और बड़ी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। आ से आम, फिर आ से आलू, पोटेटोस खाते हो ना, तो वो भी आ से आलू है ना। अभी ये क्या है, ये कौन सा पिक्चर है, इमली। इमली खाई है सबने, खाई है ना, खट्टी खट्टी है ना, अच्छी लगती है, ये है इमली। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि मैंने क्या बोला था, जो भी पिक्चर्स बनाया है उसका वर्ड जो बनता है उसका फर्स्ट लेटर हमारा स्वर है ना, ऐसा बोला था। तो ये था अनार, तो हमारा आ गया आम, तो आ गया। अभी ये है इमली, तो इमली में से हम पहला लेटर देखेंगे तो हमारा स्वर है ई, तो ये ई हम इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, पहले जीरो लिखा, फिर छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, फिर एस बना के कुछ बनानी है ना, दिख रहा है आपको, एस बना के उसकी कुछ निकालनी है, सिंपल। ऊपर जीरो रेखा, स्टैंडिंग लाइन, एस बना के कुछ बनानी है, हो गया ना। इसे इमली एक बार फिर से देखो, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एस बना के कुछ निकालो, बन गया इसे इमली, ठीक है। एक और बार एस बना के पूंछ निकालो, ऊपर जीरो रेखा बनाओ, तो बन गया हमारा ई, ई से इमली। इधर भी हमने इमली का पिक्चर ड्रॉ किया है, तो इसमें जो पहला लेटर है वो है हमारा ई, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला पिक्चर मैंने बनाया है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये शुगर केन जैसा दिखता है ना, ये क्या है, ईख, ईख है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले ऊपर कर्व लाइन, फिर जीरो रेखा, फिर इसको स्टैंडिंग लाइन, एस बना के कुछ बना के ई, बन गया हमारा बड़ा ई। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बड़ा ई, ओके। एक बार फिर से लिखेंगे, कर्व लाइन बनाएंगे, जीरो रेखा बनाएंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एस बना के कुछ निकालेंगे, बन गई ई। एक बार फिर कर्व लाइन, जीरो रेखा, स्टैंडिंग लाइन, कुछ बनाएंगे एस की, तो बन गया हमारा ई। एक और बार लिख दें, कर्व लाइन बनाएंगे, बीच में जीरो रेखा, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, गोल घुमा के एस बना के कुछ, बन गई ई। ई से ईक, ईक। और एक और वर्ड बताओ, ई से ईट। आप जो घर में रहते हो उसमें जो ब्लॉक्स लगते हैं उस ब्लॉक को ईट बोलते हैं, है ना। तो ये बड़ा ई लगता है ईट शब्द बनाने में, ठीक है। आज हमने चार स्वर पढ़े, कौन कौन से, अ, आ, ई, बड़ी। आपको समझ आया, आज हमने हिंदी के पहले चार स्वर पढ़े, फर्स्ट चार लेटर, फर्स्ट फोर हिंदी स्वर लेटर्स पढ़े, जो मैंने आपको पिक्चर्स के साथ सिखाए, है ना। आपको ऐसे ही इसका रिविजन करना है और सीखना है।
एक बार फिर हम लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है? पहले मैं बोल देती हूँ कि हम लोग साथ में बोलेंगे। ये ओ क्या है? ओ क्या बोलेंगे एक बार फिर से? ओ वेरी गुड। उसके बाद दूसरा आ, क्या बोलेंगे इसको? आ। उसके बाद ई, क्या है ये? ई, क्या बोलेंगे? ई। हाँ, एक बार आप मेरे साथ बोलते जाओगे तो आपको अच्छे से पहचानने आ जाएगा, है ना? ये क्या है? ई। इसको क्या बोलेंगे? यस, ई। उसके बाद चौथा लेटर बड़ा ई। इसको कैसे बोलेंगे? जरा जोर देके ई को ऐसे बोलना है, ठीक है? ये है हमारा ई। आप लोग बोल रहे हो, सुन रहे हो ना? तो एक बार बोलोगे फिर से, ये क्या है? ई। ठीक है, आज हमने पहले चार लेटर्स पढ़े, अ आ ई बड़ी। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ आया होगा। अभी हम इसके बाद आगे का पढ़ेंगे।